मेवात इलाके के कामा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार सीए मुख्तियार अहमद के सम्मान समारोह कार्यक्रम में आज जनसैलाब उमड़ पड़ा। ग्रामवासियों ने 1,11,000 रुपए की माला और चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत सम्मान किया। सीए मुख्तियार अहमद ने जुरहेड़ा से कंचननेर तक हजारों की संख्या में मौजूद समर्थकों के साथ रोड शो कर बावनवाड़ी में क्षेत्रवासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बावनवाड़ी में कंचननेर तक घोड़ी पर बैठकर गांव कंचननेर पहुंचे। कंचननेर गांव में विशाल जनसभा को किया संबोधित। जनसभा को संबोधित करते समय सीए मुख्तियार अहमद ने वर्तमान विधायक पर तंज कसा और कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं और कांग्रेस के संदेश को लोगों तक पहुंचाकर पार्टी को मजबूत करने का काम किया। सीए मुख्तियार अहमद ने क्षेत्रवासियों का दिल से आभार व्यक्त कर लोगों के समर्थन को बदराव की बयार बताया। इस मौके पर पूर्व सरपंच कज्जल खान खेड़ी नानू, एमडी शौकीन पत्रकार उमर खां कंचनेर सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। मैं इलाके के तमाम जिम्मेदारान और इस इलाके की तमाम सरकारी का और नौजवानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इस सम्मान के लिए मैं हमेशा उनका ऋणी रहूंगा, उनका कर्जदार रहूंगा। आज रूपांतर भी आपका स्वागत किया है कंचनेर में और आपने रंग मन ढंग से लोगों से साथ रहने की अपील की है, जनता का आभार ज्ञात कर रहा है, उसको लेकर क्या कहें? मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि ये चुनाव इस बार त्योहार की तरह है हमारे लोगों के लिए। नौजवानों में जिस तरह का जोश है, जिस तरह की उमंग है, वो नौजवानों के मन की, नौजवानों के दिल की बात है, जिसे मुख्तार और वो नौजवान तमाम जो इस संघर्ष को लड़ रहे हैं फ्रंट पर रहकर, वो नौजवानों के दिल को छू रही है और ये त्योहार की तरह इस बार का इलेक्शन है जिसका इंतजार सब लोग कर रहे हैं। तो ये आंदोलन है, एक क्रांति है, ये इंकलाब का एक सैलाब है जो उमड़ कर आया है और आने वाले समय में बड़ी तब्दीली की तरफ हम जा रहे हैं। बीते दिन भी आपसे झंझपुरी में जो मामला हुआ है, क्या कहना है कि विपक्ष जो है? देखो, विपक्ष कहीं है नहीं, विपक्ष है ही नहीं कहीं, कोई नजर नहीं आ रहा। विपक्ष हार मानकर घर बैठ गया है। एक तरफा चुनाव होगा, 36 बिरादरी के लोग एक तरफा वोट करेंगे। जनता का जो भी प्यार मिल रहा है, आपने विश्वास दिलाया है कि शिक्षा को लेकर हम काफी ध्यान देंगे, काम करेंगे इलाके में, इलाके की हर समस्या को बारीकी से समझकर उसका जो भी बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन हो सकता होगा वो करेंगे। तमाम जो मुद्दे हैं कामा विधानसभा के, उन पर सभी पर अमली जमा पहनाया जाएगा, विधायक बनकर जरूर पूरी कोशिश की जाएगी। बड़े से भी आपने किया है संदेश लोगों के लिए, क्या कहना है? लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि इस बार के इस इलेक्शन में जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, जहाँ तक नौजवान और जहाँ तक हमारे जिम्मेदारान मेरी बात सुन रहे हैं, सबसे एक अपील करना चाहता हूँ, कामा का इलेक्शन अगर हम जीत गए तो मैं समझता हूँ पूरी मेवात में नई राजनीति के लिए और वैकल्पिक राजनीति के दरवाजे खुल जाएंगे। आप तमाम साथी अगर इस संघर्ष को लड़ गए तो मुझे लगता है कि मेवात में एक नई रोशनी आने का काम करेगी। टिकट का जिक्र किया है, कांग्रेस का टिकट मिला या नहीं मिला? 100% हमको चुनाव टिकट मिलेगा, कोई शंका सुबह नहीं है। पार्टी ने जो पैरामीटर तय किए हैं, जो जीत सकता है उसको टिकट देंगे। आज की डेट में हमसे बेहतर किसी की आवाज नहीं है इलाके में। इलाके के बच्चा चाहता है वो क्या टिकट लाओ मत लाओ, हम आपको विधायक चुनने का काम करेंगे। पार्टी भी ये बात समझती है, पार्टी को पता है, पार्टी 100% हमको चुनाव दे रही है। पार्टी के आला अधिकारियों की तरफ से मैसेज भी आ चुका है कि आप तैयारी करिए, आपको सिंबल पे चुनाव लड़ना है। 4 तारीख को कैथवाड़ा में बड़ी जनसभा का आयोजन कर रहे हैं। इलाके के लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां पहुंचकर हमारा हौसला हिम्मत बढ़ाने का काम करें।